अभी तांडले बालाघाट से आया हूँ। मेरे को गायनोकोमास्ट्रिया की प्रॉब्लम थी बहुत एक दो साल से, और मैंने बहुत परेशान जाती थी, टी शर्ट नहीं पहन पाती थी, कॉन्फिडेंट नहीं रह पाती थी किसी के सामने बात करने में, थोड़ा सा कहीं पब्लिक प्लेस में जाने में थोड़ा नहीं चलते थे। और फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, फिर मुझे पवन सर के बारे में पता चला, फिर मैं आया नागपुर, सर से बात करा, कॉन्टेक्ट करा सर से, सर ने बताया कि ये प्रोसेस है, तो फिर सर्जरी करवाया उसकी, फिर अभी ठीक है, ज़्यादा पेनलेस सर्जरी है, ज़्यादा पेन नहीं होता, और बस सुबह सुबह सर्जरी हुई, फिर शाम को डिस्चार्ज, बाकी कोई सब सिंपल खाना पीना बस, और 15 दिन के बाद फिर और सब सेट में आ जाएगा अच्छे से, अभी मस्त चेस्ट अच्छा लग रहा है अभी कॉन्फिडेंट। सर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेचर के, अच्छे से सब गाइड करते हैं, और थैंक यू पवन सर। मेरे बेटे को गायनोकोमेस्टिया की बीमारी हो गई थी, और उसमें ऐसा लड़की वाले की भावना उसमें उत्पन्न होती थी, फीलिंग होता था, उसके चेस्ट जो है बड़े हो गए थे, तो वो कहीं भी जाता था रिश्तेदारी में तो नहाने में दिक्कत होती थी उसको, दोस्तों में जो है वो खेलने नहीं जाता था उसकी फीलिंग के कारण, स्कूल में जाता था तो फीलिंग होती थी उसको, तो वो मुझे बार बार बोलता था कि बाबा मैंने सर्च किया है, अब मुझे ऑपरेशन कराना है, तो मैं एक दो बार उसको डांटा भी, मैंने ज़िंदगी ख़राब करने के, ऑपरेशन करा के अपने को ऑपरेशन नहीं कराना है, दवाई करा के ठीक हो जाएंगे, फिर मैंने कई होम्योपैथी कराया, जड़ी बूटी की दवाई कराया, कहीं भी कोई आराम नहीं लगा, फिर उसको मैंने देखा कि मेरे लड़के को बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है, तो मेरा कर्तव्य है कि वो जो चाह रहा है, फिर हमने पवन सर से, मेरे लड़के ने सर्च किया, पवन सर से बात किया, उन्हें हमने भी बात किए, फिर सर के पास आए, हमने फिर सर के निर्देश से लड़का शाम को आया, रात को भर्ती हुआ, सुबह 9 बजे ऑपरेशन के लिए चले गया, 11 बजे लड़का ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया, और 5 बजे लड़का स्वस्थ हालत में सर ने हमको, पवन सर ने छुट्टी दिला दी, और फिर लड़का घर में अभी 15 दिन रेस्ट किया सुरक्षा के हिसाब से, और 15 दिन बाद हम आए हैं, आज टाका खुलवा लिए, बच्चे का पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसकी जो फीलिंग पूरी दूर हो गई है, और जो उसके दिमाग में फीलिंग थी, जो हीन भावना थी, और हमको भी बहुत खुशी हो रही कि हमारे लड़के में जो कमी आ गई थी वो कमियां दूर हो गई, और उसके लिए हम पवन सर के बहुत बहुत आभारी हैं, और जिंदगी भर आभारी रहेंगे, धन्यवाद। हाँ, ये ऑपरेशन कराने के पहले जो मेरे बेटे का जो चेहरा भी था वो भी चेंज था, उसमें कुछ लड़कियों के ऐसा महसूस होता था उसके चेहरे में, यानी कोमलता लड़कियों में जो पाई जाती है, उस टाइप का फीलिंग होता था, मुझे होता था, मैं खुद देखता था, तो मेरे को भी थोड़ी, मैं बोल नहीं पाता था, किसी को व्यक्त नहीं कर पाता था, पर मुझे फीलिंग होती थी कि मेरे लड़के कैसा दिख रहा है, तो मुझे बहुत ही, मेरे को भी लगा कि नहीं मैं जितने जल्दी हो सके ऑपरेशन कराऊंगा, और मैंने लड़के को लाया, और जैसे ही ऑपरेशन हुआ मेरे बेटे का, वैसे ही उसका चेहरा ही चेंज हो गया, बिल्कुल मर्द दिखने लगा है मेरे लड़का, इसके लिए बहुत सर धन्यवाद के पात्र हैं, उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।